माँ तो आखिर माँ ही होती है, वो अपने बेटे बेटियों पर हमेशा ही आशीर्वाद बनाए रखती है। माँ की महिमा के बारे में ऐसे तो आपने पहले भी कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको सागर जिले के सूबेदार वाड़ क्षेत्र में स्थित भरका में विराजमान माता रानी की महिमा की आंखों देखी खबर दिखाने जा रहे हैं। उसे देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। भरका काली कमेटी द्वारा वर्षों से एक स्थान पर देवी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। इसी तारतम्य में महाअष्टमी तिथि पर सायंकालीन आरती के समय अचानक से माता के चेहरे पर आंसू नजर आए। आरती में माता के चेहरे पर आंसू देखकर वहां उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। एक व्यक्ति की माने तो उन्हें माता प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती हैं। इस बार माता ने आंसू के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। वहीं एक अन्य भक्त ने बताया कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। माता की हम सभी पर हमेशा कृपा बनी रहती है और हमेशा ही माता हमें किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का आभास करा देती हैं। कल आरती के पश्चात भरका सुविधाबाड़ भरका मरिया पेड़ के नीचे प्रतिवर्ष के अनुसार महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें माता अप्रत्यक्ष रूप से हर बार हम लोग को दर्शन देती हैं, लेकिन कल अचानक उनकी आंखें नम हो गई, जो देख के हम लोग को बड़ा ही सौभाग्य है कि माता दर्शन दे गई। कल भरका काली कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार अष्टमी के दिन महाआरती का प्रोग्राम होता है, और इस बार मतलब हर बार माता आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच आती हैं, लेकिन कल देवी माँ की महाआरती के पश्चात जो माँ हम सब भक्तों के बीच आई हैं, इस बार उनका आना हम लोगों की जो जीवन शैली है ये मानो एक प्रकार से बिल्कुल बदल गई। मतलब ये जैसे हम लोगों ने अभी तक जो मेहनत की थी पूरी काली कमेटी के सदस्यों ने, जब देवी जी आई हमारे बीच और उनकी जब कल आंखें नम हुई, तो ये बात मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने देखा देवी माँ अपने आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। और मैं भरका काली कमेटी की ओर से जो देवी माँ हमारे बीच आई हैं, मैं उनके चरणों में यही कामना करता हूँ कि माता रानी काली कमेटी के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें एवं सभी जनमानस पर अपना आशीर्वाद बना रखें। जय माता रानी। माता रानी के आंखों में आंसू आना कहीं न कहीं शुभ संकेत माना जा रहा है, और इसे देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सागर से देवेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।